तो दोस्तों फाइनली आज कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के रियल बादशाह यानी कि भाई बॉक्स ऑफिस के असली बॉस किच्चा सुदीप की आने वाली 46वीं फिल्म का प्रोमो बहुत ही शानदार तरीके से पूरी इंडियन ऑडियंस के सामने रख दिया गया है इस बात की जानकारी के साथ कि भैया इस फिल्म को आप कन्नड़ा लैंग्वेज के अलावे हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम लैंग्वेज में भी देख पाओगे सिनेमा घर में। यानी कि भाई किच्चा सुदीप की आने वाली ये 46वीं फिल्म भी भैया पैन इंडिया के तहत पूरे इंडिया में रिलीज की जाएगी। तो भाई कैसा है किच्चा सुदीप की आने वाली इस 46वीं फिल्म का ये प्रोमो वीडियो, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस प्रोमो वीडियो के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने किच्चा सुदीप की आने वाली इस फिल्म के प्रोमो वीडियो का रिएक्शन रखूं कि भैया, उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भाई जिस तरह से आज कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री ने अपनी आने वाली इस फिल्म का प्रोमो पूरी इंडियन ऑडियंस के सामने रखा है, उसको देखने के बाद भैया यही संकेत मुझे समझ में आया है कि भाई अभी तक तो आप लोगों ने केवल मॉन्स्टर का ही जलवा देखा था बॉक्स ऑफिस पर कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा। अब आप इस शैतान यानी कि भैया डिविन को कैसे रोक पाओगे बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने से? क्या टीजर है बॉस, क्या टीजर है भैया। ऐसी ही टीजरों को देखने के बाद, कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की आने वाली ऐसी ही फिल्मों को देखने के बाद दिल से ये आवाज निकलती है कि भाई इन दिनों अलग ही लेवल का क्रिएटिविटी भाई यही इंडस्ट्री करके दिखा सकती है पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। यानी कि भाई इस फिल्म के प्रोमो को जिस तरह से हम लोग के सामने रखा गया, उसको देखने के बाद मैं आप लोगों से यही बात कह सकता हूं कि भैया इस प्रोमो का हर एक विजुअल, हर एक शॉट, हर एक डायलॉग, हर एक सीक्वेंस इतना लाजवाब, इतना शानदार, इतना जबरदस्त है कि इसको देखने के बाद तो भाई इस डीमन से लव हो गया मेरे भाई, जैसे मॉन्स्टर से मोहब्बत हो गया था जब रॉकी भाई मॉन्स्टर वाले अवतार में नजर आए थे। भाई जब ये प्रोमो वीडियो हम लोग के सामने शुरू होता है और इसका पहला शॉट हम लोग के सामने आता है जिसमें हम ये बात देख रहे हैं कि एक खाली सड़क पर एक बस बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रही है, उस बस के नीचे कुछ ऐसा लटका हुआ है जिससे चिंगारी निकल रही है और इस बस का ड्राइवर जो है वो काफी घबराया हुआ है और भाई उसके घबराए हुए चेहरे को दिखाते हुए ये वॉइस ओवर हम लोगों के सामने आती है कि एक बड़ी कहानी की एक छोटी सी सिचुएशन बताऊं, जिसके बाद भाई नजर आते हैं किच्चा सुदीप जो कि भाई बहुत ही खूंखार अवतार में नजर आ रहे हैं मेरे भाई। उनके कंधे पर गोली लगी हुई है, वो चिमटे से उस गोली को निकाल रहे हैं और उसके बाद वो एक भैया बियर के ग्लास को हाथ में थामते हैं कि तभी दूसरा वॉइस ओवर हम लोग के सामने आता है जिसमें हम ये बात देख रहे हैं कि भाई जो बस ड्राइवर है उससे कुछ लोग वॉकी टॉकी पर ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि एक आदमी का शिकार करने की और कितना टाइम लगेगा। और उसके बाद भाई किच्चा सुदीप जो है वो अपने हाथ में गन को सरियाते हैं और फायर करते हैं और उनके फायर के साथ ही ड्राइवर के सामने पांच छह चेहरे बहुत ही फास्ट कट में आते जाते चले जाते हैं, जिसको देखने के बाद ये पता चलता है कि भैया इस बस में किच्चा सुदीप को मारने आए हुए जितने भी लोग थे उन सभी की आत्मा भाई इस बस ड्राइवर के ऊपर आकर चली गई, ये बताते हुए कि भैया इन सभी को परमात्मा से मिला दिया है मेरे भाई किच्चा सुदीप ने। और भाई वो बुलेट जो है उस ड्राइवर के सर के परखच्चे उड़ा देता है। देन उसके बाद फिर भी या वॉकी टॉकी पर हमें ये डायलॉग सुनने को मिलता है कि काम में देरी होंगे तो एक सिग्नल दो, हम आ जाएंगे। और उसके बाद भाई किच्चा सुदीप उस बस ड्राइवर के कमर से एक गन बाहर निकालते हैं जो कि भाई वो कहते हैं ना सिग्नल देने वाला लाइट गन है और भाई उस लाइट गन से वो फायर करते हैं और आकाश की तरफ एक रेड रे ऊपर की तरफ जाता है कुछ लोगों को सिग्नल देने के लिए। और उस सिग्नल को पाते ही कई सारे गाड़ी में सवार गुंडे अपनी मौत की तरफ बढ़ चलते हैं इस उम्मीद में कि भाई वो किसी को मौत देने जा रहे हैं, लेकिन उनको क्या पता कि भाई उनको मौत से मिलाने के लिए खड़े हैं भाई वहां पर डीमन, जो कि भैया ये डायलॉग बोलते नजर आ रहे हैं
जंग छेड़ने वालों से भी मुझे नफरत है और जंग से पीठ दिखाने वालों से भी मुझे नफरत है। अखाड़े में उतर के दुश्मनों का सीना चीरकर खून से भींगे उन घोरों के भागने का नजारा लेने वाला हूं मैं। डरने के बाद ना माफी, ना नवाजी, ना मेहरबानी। आई एम नॉट अ ह्यूमन, आई एम अ डीमन। और उसके साथ भाई एक जंग का आगाज होता है। यानी कि भैया किच्चा सुदीप की आने वाली इस 46वें फिल्म के प्रोमो को जब आप देखोगे तो आप ये बात खुद बखुद कहोगे कि भैया इस फिल्म का हर एक फ्रेम इतना शानदार, इतना लाजवाब, इतना जबरदस्त है कि उसको देखने के बाद ये बात साफ होती नजर आ रही है कि भैया इस फिल्म के माध्यम से एक जबरदस्त एक्शन मूवी, एक जबरदस्त भैया खून खराबे से भरपूर मूवी आप सिनेमाघरों में देख सकोगे, जिसमें आपको किच्चा सुदीप का शैतानी अवतार देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त प्रोमो है किच्चा सुदीप की आने वाली इस फिल्म का, जो कि भैया उनकी आने वाली 46वीं फिल्म है, जिसका नाम अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है कि भाई इस फिल्म का नाम क्या होगा। तो दोस्तों वाकई में ऐसी ही फिल्मों के प्रोमो को देखने के बाद, ऐसी ही फिल्मों के लुक को देखने के बाद भाई कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को लेकर दिल से ये आवाज निकलती है कि भाई कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री का कोई जवाब नहीं। भैया वहां से हमेशा कुछ ना कुछ जबरदस्त क्रिएटिव ही हम लोगों के सामने आता है, जिसको देखने के बाद यही लगता है कि भाई ये इंडस्ट्री जो है भैया आने वाले दिनों में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का परचम पूरे विश्व में लहराएगी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वॉरन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।